वजह रही है जिससे डीके शिव कुमार असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। क्यों उन्हें सीएम का पद नहीं दिया गया है जिसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। 13 मई से लेकर सिद्धारमैया का कार्यकाल खराब रहा है, वो खड़गे से कह चुके हैं। जब मुलाकात हुई डीके शिव कुमार की तब उन्होंने कहा कि लिंगायत सिद्धारमैया के खिलाफ है और उनसे खुश नहीं है। इसके साथ ही डीके शिव कुमार ने कहा कि सिद्धारमैया सत्ता सुख भोग चुके हैं, एक बार 5 साल का कार्यकाल उनका रह चुका है, ऐसे में अब मौका कायदे के अनुसार डीके शिव कुमार को मिलना चाहिए, दूसरों को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये उनका सवाल था। अब सीएम बनने का मेरा वक्त है, 61 साल के हो गए डीके शिव कुमार, हाल ही में उनका बर्थडे था, और ऐसे में वो सवाल यही पूछ रहे हैं कि युवा नेतृत्व कम से कम अगर तुलना की जाए सिद्धारमैया से तो उनसे लगभग 14 साल छोटे हैं, और ऐसे में अब अगर उन्हें कमान दी जाती है कर्नाटक की तो वो पार्टी को आने वाले वक्त में आगे ले जाएंगे, चाहे वो 2024 का चुनाव हो या फिर 2028 का। तो दर्द डीके अब खुलकर सामने आ रहा है और सिद्धारमैया का कार्यकाल वो खराब बता रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अब उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि मौका अब हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, ये बताइए कि जिस तरीके से अचानक सब कुछ स्लिप हो गया डीके शिव कुमार के हाथ से सिद्धारमैया के हाथ में, हालांकि फ्रंट रनर सिद्धारमैया ही माने जा रहे थे, लेकिन क्या पार्टी इसे 2024 को तरजीह देते हुए यह फैसला ले रही है, या फिर यह चाह रही है कि चलिए ठीक है 5 साल आप सिद्धारमैया काम कर लीजिए उसके बाद तो डीके की ही बारी। देखिए, कई चीजें हैं इसके अंदर अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो, एक तो 2024 तो निशाना है ही, दूसरा सिद्धारमैया की जो इमेज है उनका अनुभव है वो भी भारी पड़ा डीके शिव कुमार के ऊपर, क्योंकि डीके शिव कुमार के कई मामले चल रहे हैं, बार बार उनको यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया जाता है ईडी सीबीआई में, तो उसको देखते हुए पार्टी को लगता है कि सिद्धारमैया को मौका दिया जाना चाहिए, और डीके शिव कुमार के पास अभी उम्र बची हुई है आगे की राजनीति करने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, तो सिद्धारमैया 2024 को देखते हुए पार्टी को लगा कि तमाम जो कॉम्बिनेशन हैं, जो इक्वेशन हैं, उसको देखते हुए सिद्धारमैया को ही मौका देना चाहिए, उनकी लीडरशिप में ही कर्नाटका में सरकार चलानी चाहिए। लेकिन पार्टी की कोशिश ये भी है कि डीके शिव कुमार को भी साथ लेके चलें, दोनों की जोड़ी को पार्टी आगे ले जाना चाहती है, जो जिस दोनों की जोड़ी ने जिस ढंग से कर्नाटका के चुनाव में काम किया, डीके शिव कुमार ने जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने में काम किया, और सिद्धारमैया के जो इमेज थी उनका अनुभव था, उन दोनों को साथ लेके चलना चाहती है ताकि 2024 तक कोई भी परेशानी पार्टी के सामने ना हो, और एक मैसेज चला जाए कि जो चुनाव से पहले चुनाव के दौरान एक मैसेज था कि पार्टी यूनाइटेड है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया साथ हैं, कोई भी बात नहीं है, और सरकार बनने के बाद भी दोनों के दोनों साथ हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं, और सरकार की परफॉर्मेंस दोनों के साथ चलने से बेहतर हो, कोई विवाद हो, कोई गलत मैसेज न जाए, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए सत्ता का जो बैलेंस है वो भी साथ साथ चले, इक्वल चले, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए पार्टी चाहती है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने, लेकिन डिप्टी सीएम सीधा डीके शिव कुमार बनना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं एक विधायक के तौर पर संगठन में काम करें, लेकिन उनके पसंद के कुछ मंत्रियों को, उनके अपने लोगों को सरकार में शामिल हो करवाए जाए ताकि उनके जो लोग हैं, उनके नज़दीकी लोग हैं, वो मंत्री बने और सरकार में उनका भी पूरा पूरा रोल रहे, उनकी भागीदारी रहे, तो ये एक बैलेंस करने की सरकार सत्ता पार्टी आलाकमान की कोशिश है। लेकिन डीके शिव कुमार अब राहुल गांधी से मिल रहे हैं लगातार, पिछले आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, तो देखना होगा कि क्या डीके शिव कुमार सहमत हो पाते हैं और फिर उसके बाद घोषणा की जाएगी। अगर डीके शिव कुमार सहमत हो जाते हैं सिद्धारमैया को लेके तो आज शाम को या कल इसकी घोषणा की जा सकती है।